पायल खरवड़े। व्यस्त क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। शमशेर खान की खास खबर पर एक नज़र। 2020 से 21 के शैक्षणिक वर्ष के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ओर से कक्षा छठी के लिए प्रवेश परीक्षा जिले के 25 केंद्रों में आयोजित की गई। 11 जनवरी को आयोजित इस परीक्षा में 6,476 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 की कालावधि में हुई इस परीक्षा में जिले के ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्ता के संदर्भ में अच्छे शिक्षक मिल सके, इसलिए केंद्र सरकार ने हर जिले में एक मॉडल स्कूल यानी नवोदय विद्यालय की स्थापना की। इस नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी से प्रवेश दिया जाता है। इस परीक्षा के लिए कक्षा पांचवी में पढ़ रहे विद्यार्थी पात्र माने जाते हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 की कक्षा छठवीं के लिए गत 11 जनवरी सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 की कालावधि में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। इस प्रवेश परीक्षा के लिए 6,476 छात्र बैठे। इस परीक्षा के लिए जिले भर में 25 केंद्रों की स्थापना की गई। भंडारा के लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में 400, प्रकाश विद्यालय में 200, नानाजी जोशी हाई स्कूल में 349 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि मोहाड़ी तहसील के जिला परिषद हाई स्कूल मोहाड़ी तथा पारादीप हाई स्कूल मोहाड़ी, इन दोनों केंद्रों को मिलाकर 327, तुमसर तहसील के एम माकड़े हाई स्कूल के 310, एनपी नेहरू विद्यालय तुमसर में 270, जनता विद्यालय तुमसर में 320, आदर्श विद्यालय सिहोरा 250, जिला परिषद हाई स्कूल सानगढ़ी 250, जिला परिषद हाई स्कूल साकोली 124, गांधी हाई स्कूल लाखनी 306, समर्थ विद्यालय लाखनी 400, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हाई स्कूल लाखांदूर 200, जिला परिषद हाई स्कूल बारवा 200, शिवाजी विद्यालय लाखांदूर 192, वैन गंगा विद्यालय पौनी 250, नगर परिषद हाई स्कूल पौनी 300, प्रकाश हाई स्कूल अड्याड़ 164, विकास हाई स्कूल पौनी 150 विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रमुख के रूप में नवोदय विद्यालय के H.M. गायकवाड़ ने सफलता पूर्वक जिम्मेदारी निभाई। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना ताजा खबरों के लिए YouTube चैनल, वेबसाइट, Facebook, Twitter, Instagram पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। Google Play Store से BS क्राइम इंडिया न्यूज की ऐप को डाउनलोड कर रोजाना ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।